तो फाइनली गाइस आप सभी को बता दें कि हम आ गए अभी कोचस में, जो कि लवली जी का बर्थडे था। अच्छा एक सिंगर है, भोजपुरी का गायिका सिंगर है, लवली गुप्ता जी है ना। तो बहुत ही आप लोग इनको भी प्यार आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए। हैप्पी बर्थडे लवली जी, खूब सारा नाम कमाइए और आप भी। ठीक है, तो आ गए अभी बर्थडे इनका सेलिब्रेट करवाते हैं। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में, कंटिन्यू आप लोग। तो मस्त एकदम बस में बैठ गए हम, लिखा रहे हैं कोचस के लिए, देखिए। तो लवली आज बहुत ही खुश है, देखिए सब लोग रेडी आ रहे हैं केक कटवाने के लिए यहाँ पर। और लवली के कियारा पर रिएक्शन देखिए, कितना मतलब रिएक्शन देखिए लवली का, कितना हैप्पी है। तो फाइनली गाइज देखिए सब लोग आ गए, सेल्फी वगैरह मस्त लेने में एकदम लगे हुए हैं। अब लवली केक काटने वाली हैं, देखिए बैलून देखिएगा, बैलून कैसे फटेगा। ए, 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 ए पकड़ा ही नहीं रहा है किसी से बैलून, जो लंबा है एक पकड़े तो हम अपना जान पहचान का कोई नहीं है, तो सिर्फ लवली मेरे को जानती है, हम इनको जानते हैं। तो आ गए थे हम भी मस्त एकदम एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आना ही पड़ा, क्या कीजिएगा इतना दूर कोचस में। तो सब लोग देखिए, ये सिस्टर रही लवली का, आ गया अपना मिठाई नाश्ता, तो मस्त नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे अपना घर से। देखिए सब लोग जाने का मस्त आनंद ले रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, एकदम फुल एंजॉय कर रही हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट हो गया अपना, तो कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत लोग निकल गए, तो अब हम भी निकलने वाले हैं, क्योंकि मेरे को जाने नहीं दे रही है, बोल रही है कि नहीं आपको डांस करना होगा, थोड़ा सा डांस करना होगा तो करना होगा। तो क्या करें अब देख रहे हैं वीडियो वगैरह, अभी तो अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू चालू किए हुए हैं, तो देख रहे हैं यहाँ से निकलना ही पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो लेट हो जाएगा। बाइक से तो आए नहीं है, बस से आए हैं अपना, तो जाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी यहाँ से। सबका चेहरा तो हम लोग आ गए अपना सासाराम बर्थडे सेलिब्रेट करके आ गए हम। तो देखिए घाट पर लालगंज नहर के पास, जो कि यहाँ पर पूरा क्राउड होगा, जो कि कल का वीडियो में देखने को मिलेगा आप सभी को पूरा क्राउड। तो आज संजवत था, तो संजवत का अब आधा लोग तो चले गए, मेरे को आने में लेट हो गया, तो हम लोग आए यहाँ पर। और देखिए सबका रिएक्शन, हंसी कितना हंस है, कुछ कुछ बात कह करके अपने में। तो हम लोग मस्त एकदम घूम रहे हैं, नज़ारा आप सभी को दिखा रहे हैं लालगंज का, अपने सासाराम का। देखिए शंकर जी भी ले रहा है। तो देखिए बोल रहे हैं मेरे को नहीं ले रहा है, मेरे को भी लो, तो बोले आइए एकदम लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए, और घर पर जाएंगे, वहाँ से बाइक आ गया है अपना किशन भैया का, तो वहाँ से उठाएंगे बाइक अपना और मस्त निकल जाएंगे। अडेप्टर लेना था यहाँ, तो निकल गए हम लोग। देखिए वी टू मार्ट के पास पोस्ट ऑफिस से आगे, तो यहाँ अडेप्टर देखेंगे हम लोग, समसम का देखने वाले हैं, जा रहे हैं उतर गए हम लोग, बाइक लगा दिए अपना अंदर में। और देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कितना प्राइस तक है, एक जगह पूछे तो 2500 बोला, पूरा डिस्काउंट नहीं करेंगे, कॉपी वगैरह नहीं देते, कितना लोग कॉपी दे देता है देखो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए देख रहे हैं, तो ये ब्रांडे ओरिजिनल यहाँ देते हैं, कॉपी नहीं देते हैं, बोलते हैं कॉपी है और ये ओरिजिनल है। तो आप लोग भी कुछ चाहिए यहाँ पर तो जाइए, हम तब तक वेट कर रहे हैं। भैया हैं जो चार्जिंग में लगाए हैं, चेक कर रहे हैं इसका क्या प्रोसेस रहा, मतलब क्या है प्रोसेस इसका, कितना घंटा चल रहा है। तो हम लोग आ गए तो जस्ट बगल में तो अभी यहाँ पर फिर यहाँ से हम लोग निकल गए हुडी लेने के लिए, जो कि धर्मशाला रोड आ गया था पन्ने लाल भी, धर्मशाला रोड नजारा नाइट का अभी 9 बज रहा है। देखिए इतना मतलब क्या बोले, तो आगे हम लोग सिटी सेंटर मॉल में मेरे कुछ लेने के लिए हुडी वगैरह, ठंडा टाइम आ गया हुडी वगैरह देखने के लिए, तो हम लोग म्यूजिक वगैरह में जा रहे हैं, तो अपने घर के लिए जाने के लिए सब लोग रेडी हो गए। किशन भैया बोलते हैं गुड नाइट, खा करके मस्त एकदम, आपको आप सभी को बाय बाय गुड नाइट।